Hi everyone, I am Neha Singh and I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts and Practice. So, अभी हम कर रहे थे last two videos में knowing our numbers. So, part one में हमने topics discuss किए थे number, comparing numbers, ascending order and descending order. और part two, video two में हमने discuss किया था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. दिस इज द पार्ट थ्री फॉर नोइंग आवर नंबर्स जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1. ओके सो कम टू द एक्सरसाइज 1.1. क्वेश्चन नंबर वन फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स ए पार्ट 1 lakh इज इक्वल टू डैश 10,000. 1 lakh इज इक्वल टू डैश 10,000 मीन्स के 1 lakh में कितने 10,000 होते हैं या 10 कितने 10,000 मिलकर 1 lakh बनाते हैं. इसको एक छोटे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि हमसे पूछा जाए हाउ मेनी टेंस आर इन 100. ओके कितने 10 मिलकर 100 बनाते हैं. तो ये बड़ा ही सिंपल है, हमें पता है कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 एंड अप टू 10th 10, यानी कि 1st 10, 2nd 10, 3rd 10, 4th 10 एंड अप टू 10th 10 को जब ऐड किया जाता है तो हमें मिलता है 100. यानी कि 10 times 10 को ऐड करके 10 times 10 को ऐड करके हमें मिलता है 100. 10 times 10 का क्या मतलब है? 10 multiplied by 10 विच इज इक्वल टू 100. तो इसमें एक चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी टेंस आर इन 100, यानी कि 10 times 10 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 100 मिलेगा. दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि कभी भी हम 10, 100 या 1000 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट किस तरीके से आता है. जैसे हम इसी एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ एक नंबर है 10, इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर खुद आया और इस 10 का जो एक जीरो था इसने इसको इंक्रीज कर दिया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 2. 10 into 10 इज इक्वल्स टू 100. ओके अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं लाइक 2 into 10. 2 into 10 सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 into 10. तो ये नंबर खुद आएगा 2 और 10 का जीरो इसमें इंक्रीज हो जाएगा जो बन जाएगा 20. इसी तरीके से अगर हम 3 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नंबर खुद आएगा और 100 के 2 जीरोस इसमें इंक्रीज हो जाएंगे. राइट सो इनका 20 का मतलब क्या है, 2 टाइम्स हम 10 को ऐड कर रहे हैं तब हमें 20 मिलता है. तो इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं कि 20 में कितने टेंस होते हैं और 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है. सिमिलरली 300 में कितने हंड्रेड्स होंगे, 300. ओके और मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही है, 3 को जब 100 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 के साथ 100 के 2 जीरोस इंक्रीज हो जाते हैं. ओके सो इसके बाद हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं ए पार्ट पे जिसमें हमसे पूछ रहे हैं 1 lakh इज इक्वल टू डैश 10,000. ओके यानी कि कितने 10,000 मिलकर 1 lakh बनाते हैं. राइट सो 1 lakh में कितने जीरोस होते हैं, 1 lakh में कितने जीरोस होते हैं, 1 lakh में जीरोस होते हैं 5. सो हम यहां लिखेंगे इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 और 10,000 में कितने जीरोस होंगे, 10 का एक जीरो और 1000 के 3 जीरोस. राइट तो 10,000 में 4 जीरोस हुए, 1 लाख में 5 जीरो हुए, 10,000 में एक जीरो कम है 1 लाख से. यानी कि हम अगर इस 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 लाख. सो रिजल्ट विल बी 1 लाख इज इक्वल्स टू 10,000. राइट इसी तरीके से हमसे पूछ रहे हैं कि 1 मिलियन इज इक्वल्स टू डैश 100,000. 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 1 million में होते हैं 6 zeros, 3, 4, 5 and 6. 100,000 में कितने zeros हैं, 1,
टू, 100 के जीरोस और 1000 के जीरोस 3, यानी टोटल हुए 5 जीरोस। 100,000 में 5 जीरोस, 1 मिलियन में 6 जीरोस, 1 जीरो कम है, इसलिए 100,000 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 1 मिलियन। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 100,000। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 करोड़ इज इक्वल्स टू हाउ मेनी 10 लैक्स। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं? 1 करोड़ के जीरोस लिखेंगे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, और 10 लाख के जीरोस, 10 का 1 जीरो और लाख के 5 जीरो, राइट? तो टोटल हुए 6 जीरोस। 10 लाख में 6 जीरोस, 1 करोड़ में 7 जीरोस, यानी कि 10 लाख को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट आएगा 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 लाख, राइट? इसी तरीके से डी पार्ट में भी हम सॉल्व करते हैं, 1 करोड़ इज इक्वल्स टू डैश मिलियन, यानी कि 1 करोड़ में कितने मिलियन है? सो ये भी सेम है, 1 करोड़ में 7 जीरोस और 1 मिलियन में 6 जीरोस। ओके, सो 1 मिलियन में 6 जीरोस, 1 करोड़ में 7 जीरोस, 1 जीरो कम है, इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें 1 करोड़ मिल जाएगा। 1 करोड़ इज इक्वल टू ऑल्सो 10 मिलियन, सारे रिजल्ट 10-10 में आ रहे हैं, सारे ब्लैंक्स में 10 फिल कर चुके हैं हम। एक और बचता है, लेट्स चेक इसमें क्या आएगा। सो 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं? 6 जीरोस, और 1 लाख में 5 जीरोस। ओके, सो यहां भी 1 लाख के 5 जीरोस, 1 मिलियन के 6 जीरो से 1 जीरो कम है, इसलिए इसे भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट क्या आएगा, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख। ओके, अमेजिंग, सारे ब्लैंक्स में 10 आ रहा है। ओके, सो दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। ओके, सो फर्स्ट पार्ट में हमें पूछ रहे हैं 73,75,307। अब लैक किस में आता है? लैक आता है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, यानी कि हमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इस नंबर का नेम देना है। 73 लैक्स मीन्स पहले हम लिखेंगे 73, ओके, और लैक में कितनी प्लेसेस होंगी? हमें पता है लैक में होंगी 5 प्लेसेस, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, अब यहाँ पे आता है 73 लाख के बाद 75,000, यानी कि 1000 प्लेसेस पे क्या आएगा? 75। ओके, उसके बाद है 307, थ्री ब्लैंक्स में हम क्या लिखेंगे? 307, विच विल बी 307। ओके, सो कॉमास कैसे पुट करते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, कि सबसे पहले राइट साइड से 3 डिजिट से पहले कॉमा आएगा, 703 से पहले कॉमा, फिर 2 डिजिट से पहले कॉमा, यानी कि 577 से पहले एक कॉमा। तो फाइनली जो नंबर हमें मिला, जो आंसर हमें मिलेगा, वो क्या होगा? 73,75,307। इज इट क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 9,05,41। 9 करोड़, करोड़ में कितने प्लेसेस होती हैं? 7। करोड़ में कितने जीरोस होते हैं? एक्चुअली 7 जीरोस, तो 9 के बाद कितनी प्लेसेस होंगी? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। उसके बाद आता है 5 लाख, तो पहले एक बार कॉमा पुट कर ले, 3 प्लेस से पहले कॉमा, 2 प्लेस से पहले कॉमा और फिर 2 प्लेस से पहले कॉमा, यानी कि 5 लाख, यानी इस वाले सेक्शन में 5 आना है। तो हम 5 कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमें एक डिजिट चाहिए, 5 लाख का मतलब तो ये है कि 5 यहाँ आ जाएगा, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? 0। ओके, सो 9,05,00,000 हम लिख चुके हैं। अब आएगा 41, यानी कि 1000 के डैशेज में कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे आएगा 0, 0, 41। इस वाले सेक्शन में हमें 3 डिजिट्स चाहिए,
जबकि 41 में होती है टू डिजिट्स, तो फिर से हम जीरो का यूज करेंगे क्योंकि जीरो आएगा यहाँ पे और फोर आएगा यहाँ पे और वन आएगा लास्ट में वंस प्लेस पे. तो ये होगा 9,05,41. ओके, सो आंसर विल बी 9,05,00,041. सिमिलरली सी पार्ट में हम देख सकते हैं, ये भी पूछ रहे हैं 7,50,21,302. 7 करोड़ मीन्स 7 के बाद 7 प्लेसेस, 4, 5, 6, 7, राइट. अब इसमें हम लगाते हैं कॉमास. ओके, कॉमास लगा लिए. 52 लाख, यानी कि लाख वाले सेक्शन में हम लिखेंगे 52. 21,000 के सेक्शन में 21. 302, 100 के सेक्शन में 302. वेरी सिंपल आंसर. 7,52,21,302, राइट. अब आते हैं हम डी पार्ट पे. 58,423,202. अब ये जो मिलियन है, इससे हमें पता लग रहा है कि इसकी न्यूमरेशन हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग करनी होगी. सो 58 मिलियन मीन्स पहले हम लिखेंगे 58 लिखेंगे, और मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 6 जीरोस, राइट. मिलियन में जीरोस होंगे 6, तो हम आ जाएंगे, डैश प्लेसेस लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6. फिर इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमास किस तरीके से पुट करते हैं, हम हर बार 3 डिजिट से पहले, यानी कि ये 1, 2, 3, एक कॉमा इधर आएगा. इसमें है 423,000. सो 1000 सेक्शन में क्या आएगा, 423, राइट. उसके बाद है 202, यानी कि 100 सेक्शन में 202. आंसर क्या हो जाएगा, 58,423,202. 202, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, 23,30,010. तो इसमें भी लाख में कितने जीरोस होते हैं, ये भी लाख आ गया, यानी कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हमें फॉलो करना है. सो 23 लाख, लाख के लिए 5 प्लेसेस ब्लैंक होंगे. कॉमास कैसे आएगा, 1, 2, 3 से पहले एक कॉमा, फिर 1, 2, 2 डिजिट से पहले कॉमा. इसके बाद आ रहा है 30,000. 30,000 मीन्स 1000 सेक्शन में 30 आएगा, 100 सेक्शन में 10, और हमें हमारे पास प्लेसेस कितनी है, 3. इसलिए हम किससे स्टार्ट करेंगे, 0 से, 0, और जो 10 आएगा वो 10, 1 टेंथ प्लेस पे और 0 वंस प्लेस पे. ओके, सो आंसर विल बी 23,30,010, राइट. दिस विल बी योर आंसर. ओके, सो इस तरीके से हम किसी भी गिवन नंबर नेम में कॉमास पुट करके उनके न्यूमरल्स लिखते हैं. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. इंसर्ट कॉमास सुइटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम किस तरीके से नंबर नेम दे सकते हैं, कि सबसे पहले नंबर नेम देने के लिए हम इनकी प्लेसेस लिखेंगे. लाइक यहाँ पे हमारे पास नंबर है 8,75,95,762. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट साइड से इनको प्लेसेस असाइन करेंगे. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, lakh, 10 lakh, 10 lakh, and then crore. Okay, then crore.
इसमें प्लेसेस असाइन करने के बाद हम कॉमाज इंसर्ट करते हैं, जिसके लिए इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले 3 डिजिट से पहले कॉमा लगाएंगे, 2, 6, 7, 7 से पहले एक कॉमा आएगा, उसके बाद हर बार कॉमा 2 डिजिट से पहले लगेगा, यानी कि 5, 9 से पहले एक कॉमा, फिर 5, 7, 7 से पहले एक कॉमा। अब हम नंबर का नाम इजीली बता सकते हैं, यानी कि 8 कौन से सेक्शन में है, करोड़ सेक्शन में, तो नंबर का नाम होगा 8 करोड़, लाख सेक्शन में है 75 लाख, 75 लाख, थाउजेंड सेक्शन में 95 है, सो 95,000, और 100 सेक्शन में है 762, यानी कि 762. So this is the number name for the given number. 8,75,95,762. Similarly, second question solve करेंगे. इसमें भी सबसे पहले हम places assign करेंगे. Number है 999,000,046, right? So इसमें राइट मोस्ट जो प्लेस होती है वो वंस, देन टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़, राइट? कॉमास कैसे इंसर्ट करते हैं? सबसे पहले राइट मोस्ट साइड से 3 डिजिट से पहले कॉमा, देन 2 डिजिट से पहले कॉमा, फिर 2 डिजिट से पहले कॉमा. ओके, सो अब हम इजीली इसका नाम दे सकते हैं. करोड़ सेक्शन में नंबर है 9, यानी कि 9 करोड़, और लैक वाले सेक्शन में है 99, यानी कि 99 लाख, राइट? थाउजेंड सेक्शन में 0 है, इसलिए उसे लिखने की जरूरत नहीं है. हम सीधा 100 सेक्शन पे चलते हैं और उसमें वैल्यू है 46, यानी कि 9,46,000. So this will be the answer. 9,99,46. So A और C part में हमने Indian system के numeration के according हमने इनके number names लिखे हैं. Now come to the question 4. Insert commas suitably and write the names according to international system of numeration. International system of numeration के लिए भी first step वही होगा हमारा, जो given number है उसको हम प्लेसेस असाइन करेंगे पहले, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, इसमें अब लाख नहीं आएगा, इसमें 100,000 आएगा, उसके बाद आएगा मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन. ओके, सबसे पहले हमने प्लेसेस असाइन की हैं डिजिट्स को, उसके बाद कॉमास लगाएंगे. कॉमास कैसे लगते हैं? इसमें हर बार 3 डिजिट से पहले कॉमा लगता है, 1, 2, 3, 0 से पहले कॉमा, 1, 2, 3, 9 से पहले कॉमा, दैट्स ऑल. ओके, अब हम इसका नाम इजीली दे सकते हैं, यानी कि मिलियन सेक्शन में कौन सा नंबर है, 78, 78 मिलियन, 78 मिलियन, थाउजेंड सेक्शन में है 921, यानी कि 921,000, क्योंकि ये थाउजेंड सेक्शन में है, राइट? हंड्रेड सेक्शन में है 92, सो इसके बाद आएगा 92. तो जो गिवन नंबर है उसके लिए नेम होगा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम 78,921,092. ओके, नाउ कम टू द सी पार्ट. डी और डी मैं यहाँ भी छोड़ रही हूँ, इसे आप ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर है. अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा. लेट्स कम टू द सी पार्ट. सी पार्ट में भी हम सबसे पहले नंबर लिखेंगे
9999851012। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्लेसेस असाइन करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, देन मिलियन, देन टेन मिलियन, राइट। सेकेंड स्टेप में हम कॉमाज इंसर्ट करेंगे, वन टू थ्री, थ्री डिजिट से पहले कॉमा, वन टू थ्री, थ्री डिजिट से पहले कॉमा, राइट। अब फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका नंबर नेम लिखेंगे। तो मिलियन सेक्शन में क्या नंबर है, 99 मिलियन, 1000 सेक्शन में है 985, यानी कि 985,000, क्योंकि ये 1000 सेक्शन में है। उसके बाद 100 सेक्शन में है 102, तो हम लिखेंगे 102। सो दिस इज द नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम फॉर सी पार्ट, विच इज 99,985,102। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, मुझसे अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।